हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू एकायरेंथस एंड अमरेंथस। एकायरेंथस और अमरेंथस दोनों सेम फैमिली को बिलोंग करने वाले मेंबर हैं और फैमिली का नाम है अमरेंथेसी। इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, इसलिए इन दोनों को आज हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। एकायरेंथस जो है वो कॉमन नेम उसका लटजीरा होता है, या अपामार्ग भी बोलते हैं, अलग अलग जगह लोकल नेम अलग अलग होते हैं। और ये जो है रेनी सीजन में उग जाता है। और अमरेंथस जो है उसको चौलाई बोलते हैं। तो ये दोनों हर्बेशियस प्लांट हैं, डाइकॉट हैं, और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। इन दोनों के डायग्राम को ध्यान से देखिए। एकायरेंथस में सेंटर में हमको दो बंडल दिखाई दे रहे हैं, जबकि अमरेंथस में हमें अनेक बंडल दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी जो डिफरेंस हमें दिख रहा है, आउटलाइन में दिख रहा है, एकायरेंथस होता है स्क्वायर शेप, जबकि अमरेंथस होता है गोलाकार। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिकल में जब आप स्टेम को सेक्शन कटिंग के लिए पकड़ेंगे तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि इसकी आउटलाइन स्क्वायर होती है एकायरेंथस की। अब हमें देखना है कि इनमें प्राथमिक असंगत रचनाएं किस रूप में हैं, और फिर सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो फिर उसमें क्या ऐसा हो जाता है कि ये कोर्स में हमारे डाले गए हैं और वो नॉर्मल से हटकर है। तो पहला है प्राथमिक असंगत रचनाएं। तो वो होती हैं प्राथमिक असंगत रचनाएं मेड्यूलरी वस्कुलर बंडल के रूप में। मेड्यूला पिथ को कहते हैं, और मैपिथ में बंडल का पाया जाना सामान्य लक्षण नहीं है। तो एकायरेंथस में इसको पहचानने का तरीका है कि इसमें सिर्फ दो बड़ा सा पिथ दिखेगा और दो वस्कुलर बंडल आमने सामने मुंह करके एक दूसरे के फेसिंग टू ईच अदर आपको दिखाई देंगे। तो ये एकायरेंथस की पहचान आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर होता है। अमरेंथस में आपको अनेक बंडल दिखाई देंगे जो कि पूरे पिथ में बिखरे हुए होते हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि मोनोकॉट है, लेकिन ये मोनोकॉट नहीं है क्योंकि बंडल का स्ट्रक्चर जिसमें हमको जाइलम और फ्लोयम आधे भाग में दिखाई दे रहा है, जाइलम आधे में दिख रहा है फ्लोयम, जबकि मोनोकॉट के वस्कुलर बंडल का स्ट्रक्चर अलग होता है। तो ये मेडुलरी बंडल का पाया जाना सबसे पहले आपको मेंशन करना है। दूसरा है सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। तो जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो नॉर्मल बंडल से नहीं होती है। नॉर्मल बंडल कैसे हैं? कंजॉइंट, कोलेटरल, एंडार्क एंड ओपन। मैं समझती हूँ इन चारों शब्दों के मीनिंग अब तक सबको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो मैं एक बार और इसको क्लियर कर देती हूँ। वस्कुलर बंडल कंजॉइंट का मतलब है जाइलम और फ्लोयम का एक साथ पाया जाना। कोलेटरल वस्कुलर बंडल का मतलब है फ्लोयम बाहर की तरफ स्थित होता है, जबकि जाइलम पिथ की तरफ अंदर की तरफ स्थित होता है, उसको कोलेटरल बंडल कहते हैं। एंडार्क का मतलब है प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ, मेटाजाइलम परिधि की तरफ, उसको एंडार्क कंडीशन बोलते हैं, जो कि तनों का लक्षण है। और ओपन, ओपन का मतलब होता है कैम्बियम की मौजूदगी, जो कि जाइलम और फ्लोयम के बीच में होता है। तो ये बंडल आपको नॉर्मल रिंग दोनों में दिखाई दे रही है। अब जब सेकेंडरी ग्रोथ होनी होती है तो इन दोनों ही मेंबर्स में एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम का निर्माण होता है। तो इससे क्या समझ में आता है कि कैम्बियम की पोजीशन भी एबनॉर्मल है और क्रियाशीलता भी एबनॉर्मल ही होगी। ये हम मान के चलेंगे और फिर आगे समझेंगे कि कैसे क्रियाशीलता एबनॉर्मल है, क्योंकि पोजीशन नॉर्मल होती तो फिर हम सोच सकते थे कि एक्टिविटी नॉर्मल होगी। अब पोजीशन एक्स्ट्रा स्टीलर है, मतलब स्टील के बाहर कोई टिश्यू है जो कैम्बियम का निर्माण करता है। कौन सा टिश्यू है? सबसे पहले देखें, एकायरेंथस में
जो कैम्बियम है उसका निर्माण अलग अलग पट्टियों या आर्क के रूप में पेरिसाइकल के द्वारा होता है, मतलब छोटी छोटी स्ट्रिप्स बन जाती हैं स्टील के बाहर, वो बाद में जुड़ जाती हैं और फिर वो सेकेंडरी ग्रोथ करती है। और एमरेंथस में क्या होता है, एक पेरिसाइकल से कंप्लीट रिंग का निर्माण होता है अपने आप, उसको बोलते हैं डी नोवो। डी नोवो मतलब स्वतः स्वतः ही एक कंप्लीट रिंग, पहली रिंग बनती है कैम्बियम की और फिर वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करती है। इनके मामले में क्या नॉर्मल तो ये होता है कि अंदर सेकेंडरी जाइलम बनाए कैम्बियम और बाहर सेकेंडरी फ्लोएम बना दे, लेकिन अमरेंथस और एकायरेंथस के केस में ये जो कैम्बियम बनी ये अंदर बनाती है सेकेंडरी जाइलम एंड कंजक्टिव टिश्यू, हिंदी में बोलते हैं संयोजी ऊतक, तो मिक्सचर बन रहा है, कुछ मिला जुला बन रहा है, और बाहर क्या बन रहा है, सेकेंडरी फ्लोएम और पेरेन्काइमा। तो या बाहर भी पेरेन्काइमा नहीं होना चाहिए लेकिन वो आ जाता है, तो ये मिले जुले टिश्यू बनते हैं। तो अब दूसरा जो हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है, एकायरेंथस के केस में इंक्लूडेड फ्लोएम नज़र आ रहा है, लेबल किया है इंक्लूडेड फ्लोएम। इंक्लूडेड फ्लोएम मतलब इंटरजाइलरी फ्लोएम, इंटरजाइलरी फ्लोएम अर्थात जाइलम के बीच बीच में फ्लोएम की मौजूदगी या चप्पों का पैचेस का पाया जाना। ये कब होता है, जब कैम्बियम की सक्रियता एक सी नहीं चलती है, कभी कभी फास्ट होती है कभी स्लो हो जाती है, और जब कैम्बियम की सक्रियता धीमी होती है तो जाइलम बन नहीं पाता अच्छे से और बाहर से जो फ्लोएम है वो उसकी जगह ले लेता है और फिर अंदर की तरफ धकेल दिया जाता है जाइलम में। तो सेकेंडरी जाइलम में फ्लोएम का पाया जाना ये एकायरेंथस का एक स्पेशल गुण है। थोड़ा सा मोटा स्टेम काटेंगे आप नीचे से तने का तो आपको उसमें इंटरजाइलरी फ्लोएम क्लियर नज़र आएगा। डबल स्टेनिंग में वो ग्रीन कलर ले लेता है फ्लोएम, और जाइलम जो है वो रेड कलर सेफ्रानिन का लेता है। तो इस तरह से एकायरेंथस में जो इंक्लूडेड फ्लोएम का पाया जाना ये एमरेंथस में नहीं होता है। तो दोनों में डिफरेंस भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और दोनों में समानता भी डिस्कस कर रहे हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम बनती है ये पूरे जीवन भर अपना काम नहीं कर पाती है, तो ये एक बार अपनी क्रियाशीलता का दिखाएगी और वो भी एबनॉर्मल होगी क्योंकि टिश्यूज़ मिले जुले बन रहे हैं, और उसके बाद इनएक्टिव हो जाती है। और इनएक्टिव होने के बाद अगला साल जब आता है, जब कैम्बियम फिर से उसको टिश्यूज़ प्रोड्यूस करने होते हैं, तो वो बाहर जो पेरेन्काइमा बना है उसकी कोशिकाएँ कैम्बियम को प्रोड्यूस करती हैं। तो पेरेन्काइमा या सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोल सकते हैं। तो हर बार नई कैम्बियम का बनना, हर बार एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम से टिश्यूज़ प्रोड्यूस होना, तो ये इनमें सेकेंडरी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं दोनों एग्जाम्पल में। और सीधे से एक क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवा में प्रैक्टिकल में कि एकायरेंथस में किस प्रकार की सेकेंडरी ग्रोथ होती है या एमरेंथस में किस प्रकार की सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि दोनों में कैम्बियम की पोजीशन एबनॉर्मल है इसलिए एक्टिविटी भी एबनॉर्मल होती है। और एकायरेंथस एमरेंथस से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, डायग्राम में बहुत क्लियर मैंने कोशिश की है। इससे अलावा कोई भी आपको क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे डालिए। आशा है समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। अगर आपको पढ़ाने के तरीके में या कुछ भी आप चेंज चाहते हैं तो वो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू।